तरह से करना, इस तरह से करना, ठीक है। पश्चिमोत्तासन में क्या है, कैसे करें, पश्चिमोत्तासन क्या क्या नियम है। महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छा बोला है कि आप जितना कर सके, जितना आप पहले अपने बॉडी को समझें, ठीक है, सबसे पहले अपनी बॉडी को समझें, इसके बाद धीरे धीरे उसका अभ्यास। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका स्ट्रेच लेवल बहुत अच्छा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल है, जो रेगुलर जो प्रैक्टिशनर, जो शुरू बिगिनर है, उनकी मैं, ठीक है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप पश्चिमोत्तासन में सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो बेसिक प्रिंसिपल है, सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इस तरह से हमें सांस को भरना है और भरते हुए हाथ को, ऐसा नहीं कि पहले हमने भर लिया, साल भर लिया, ये हाथ को, ये गलत है, ठीक है। जो नियम ये कहता है कि आप सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, ठीक है। और एक बेसिक प्रिंसिपल है, हाथ झुकाते हुए, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग करना है हमें, इसके साथ आपको एक्सहेल करना है, ठीक है। ये तो आप जब भी फुल, जब भी आप फुल, मतलब एक फाइनल स्टेज में हो किसी भी आसन के, जैसे मैंने पहले बताया था, किसी भी आसन के फाइनल स्टेज में जब हो, तब आपको नॉर्मल ब्रीथ करना, आपको कुंडली नहीं लगाना, आपको होल्ड नहीं करना। जैसे मैं अभी नॉर्मल ब्रीथ ले रहा हूँ, आप भी जैसे नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हैं वैसे आपको, ठीक है। तो देखें सांस भरते हुए हाथ उठाना है, ये मैंने हाथ उठा लिया, आप सांस छोड़ते हुए हैं, मुझे आगे की तरफ झुक, सांस छोड़ लिया, ठीक है। जितना हो सके आपका, अगर आप इतना इतना झुक पाते हैं, कुछ लोग इतना झुक पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका पेट अटक जाता है, ये पहला प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, उनके बैक है, बहुत उनके डॉक्टर्स ने कहा है आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये सब आपको बारीकी आपको ध्यान रखना, ये इसलिए मैंने कहा सबसे पहले अपने शरीर को देखें, शरीर को समझें। और मैंने स्लो, पहले जितनी भी आसन प्राणायाम वगैरह मैंने बताया है, एक क्रिया मैंने बताया कपालभाति, ठीक है, वो प्राणायाम में नहीं आता, वो क्रिया है, षटकर्म में आता है, सभी ध्यान रखें। तो ये जो मैंने बताया, उस स्लो किसको करना है, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा, स्लो से जिनको इनहेलर लगता है, मतलब उनका लेवल बहुत हाई हो चुका है, जिनका ये सांस में सांस लेते हैं, वो धीरे धीरे अभ्यास को पढ़ा, धीरे धीरे। और किसे नहीं करना, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना, बाकी जो मंथली साइकिल वाले भी कर सकते हैं, मंथली साइकिल वाले कौन कौन से आसन नहीं करना है, इन्वर्शन पोज, जैसे अब अभ्यास बढ़ाए फिर यहाँ तक झुके, ठीक है, फिर अभ्यास बढ़ाए फिर पैर के तलवों को पकड़ लें, ठीक है, इस तरह से और अभ्यास बढ़ाए फिर नीचे झुक जाए, माथा लगा सकते हैं तो माथा लगाइए, ये आपके ऊपर, ठीक। अच्छा, जिनको पश्चिमोत्तासन नहीं आता, पर जो पहले पहले बिगिनर्स, उनके लिए कैसे कर सकते हैं, देख ये पैर को मैंने मोड़ा, एक एक पैर से छूट, दोनों पैर से निकल, सांस को भरा, ठीक है, आगे की तरफ झुके, इतना झुक गए, ठीक है, और थोड़ा सा अभ्यास बढ़ा, इतना झुक गए, ठीक है, फिर और अभ्यास बढ़ा, इतना झुक गए, फिर और अभ्यास बढ़ा, माथा को लगा, ठीक है, इस तरह से, फिर इस पैर से किया, समांतर इस पैर से भी करें, ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे आ जाए। इसके बाद क्या करना है, बहुत अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए पश्चिमोत्तासन करना है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स बताए, जब भी आपको, जब भी आप जैसे अब आपको सांस की गति कैसे, मैंने एक रॉ मैंने बताया, फिर से देख लीजिए, ये वाला, इससे अभ्यास बढ़ाएं, इससे क्या होगा, आपकी ये लचीली होगी, जो आपका बैक है आपका लचीला होगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपका फ्रेंड बनेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब आप सांस की गति सुनो, ठीक है, कैसे करेंगे, सांस
सांस छोड़ते हुए आपको इसको आना, ठीक है, सांस छोड़ते हुए आना है। और फिर जैसे पीछे जा रहे हैं तो सांस भरना है, ये सांस भर लिया और फिर सांस छोड़ा, ये आपको ध्यान रखना, जब भी आप आगे की तरफ आए तो सांस छोड़ना है। इस पश्चिमोत्तासन को सीखने के लिए ये जो मैंने एक्सरसाइज किया है इसमें आपके कुछ ना कुछ पैक्स बन जाएंगे, फिर तो सिक्स पैक्स बोलते हैं, कुछ ना कुछ पैक्स बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो अंदर की जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ये सबसे बढ़िया मसाज है, इसको करें, ठीक है, इस तरह से करें, इस तरह से सीखें, ठीक है। जो बड़ी आंत है, छोटी आंत जिसमें खाना जो हमारा भोजन उसमें जाता है, ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारी को तो दूर करता ही, ठीक है। इसको किसको नहीं करना, प्रेग्नेंट लेडीज को, ठीक है। चलिए और एक चीज मैं बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे, चलिए और एक चीज मैं बता देता हूँ, जिनके पास स्ट्रेचिंग है मतलब इसको कर रहे हैं, ये देख ले लीजिए, मैंने ये कपड़ा ले लिया, ठीक है, महिलाओं के पास चुन्नी होता है, ठीक है, इसको ले लीजिए ऐसा, ठीक है। अब अपने को अभ्यास करना है, अब समझ लीजिए इतना ही अभ्यास करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इनहेल किया, रेज योर हैंड्स एंड फॉरवर्ड, ठीक है, इसको लगाया, ठीक है, आप यहाँ तक ही झुक पाए कोई तकलीफ नहीं, इस तरह से जाना है ये ऐसा करके नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये पीठ है ना आर्च बैक वाला, ये ऐसा नहीं करके, ऐसा करके जाना ये वाला, ठीक है, समझ में आया, इस तरह से, ये ऐसा नहीं, ऐसा जाना, ठीक है, आप इतना झुक पाए इतना ही झुक जाइए, ठीक है। और अभ्यास और भी अच्छा अभ्यास हुआ धीरे 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 करके, आप इतना झुक पाए इतना झुक जाइए, ठीक है, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, आप इससे धीरे 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 आपका अभ्यास, ठीक, पश्चिमोत्तासन मैंने बताया। और जितने भी हम लोग आसन कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखें, सुबह कर सकते हैं, इसके बाद आप शाम को अगर करना चाहते हैं 4-5 घंटा मिनिमम, ठीक, पहले जैसे मैंने सेशन में बताया था 4-5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए प्लीज खाने में, ठीक है, कोई सा भी आसन, ठीक है, आप एम्प्टी स्टमक में। इसके बाद आता है पादहस्तासन। पादहस्तासन का मतलब ये दो शब्दों से बना हुआ है, पाद मतलब आपके पैर, हस्त मतलब हाथ, ये संस्कृत बहुत बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है पादहस्तासन, ठीक है, मैं इस तरह से पहले बता देता हूँ, इसलिए रॉन्ग है पता, रफ आइडिया, ठीक है। एक चीज मेरे से छूट गया, पश्चिमोत्तासन के अंदर, पश्चिमोत्तासन में आपको क्या नहीं करना, इस तरह से नहीं करना ये, या फिर ऐसे ऐसे नहीं उठाना ये, क्योंकि हमारा माथा घुटनों में लगाना है, हमारे दिमाग में यही रहता है कि माथा घुटनों में लगाना है, लगाना है, लगाना है, तो इसको उठाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये ड्रॉबैक हो जाएगा। आपसे जितना बन पाए इतना करें, इतना करें, इतना करें, ठीक है, बस बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना ये, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। इसके बाद पादहस्तासन, पादहस्तासन में पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, इसका स्पर्श होना, ये पैरों का स्पर्श हाथों के साथ, ठीक है, आप इतना हो जाए, ऐसा कर लें, ये पैरों के अंगूठे को पकड़ लें, ठीक है, माथे को नीचे रख लें, ठीक। आपको क्या नहीं करना इस पे, ऐसा नहीं करना ये, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सर को घुटने में लगाना है, हाँ सर को घुटने में लगाना है, पर है ना आपको ऐसा मोड़ना नहीं, ठीक है, और ऐसा कोई कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सिर को घुटनों पे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं, स्पर्श करना आना चाहिए आपसे, अगर इतना झुकता है इतना झुका लें, ठीक है। ये भी पादहस्तासन में आता है, क्योंकि आपकी सबसे पहले यही कहा मैंने, आपकी बॉडी को समझें, पहले आपकी बॉडी के लिमिट्स को समझें, मैथ्स का जो लिमिट्स है वैसा उसको समझें, आपकी जो बॉडी की जो लिमिट है, मेरी इतनी लिमिट,
अब मेरी इतनी लिमिट हो गई, ठीक है, अब मेरी इतनी लिमिट है, अब मेरी इतनी लिमिट है, ठीक है, अब मेरी इतनी लिमिट है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये नहीं करना, इसके बाद ये ड्रॉबैक है जो बैंस पतंजलि के योग सूत्रों में टोटली इसको ड्रॉबैक बोला है, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, आपको ये नहीं करना, ठीक है, आप इसको कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता इसको मल्टीसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए इसका मॉडिफिकेशन वर्जन है, प्लीज जो सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं उसके अंदर पांच हस्तासन भी है, ठीक है, जिसको मैंने कहा था तो प्रेग्नेंट लेडी सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है, फर्स्ट से ट्राइमेस्टर से लेकर जो लेबर तक है आप उसको नॉर्मल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्लीज सूर्य नमस्कार करें, ठीक है, पहले से अभ्यास करना शुरू करें, पहले से एकदम लास्ट मोमेंट में जैसे आप कंसीव करते हैं इसके बाद अगर आप करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लीज ना करें, मैंने हर प्रकार से आपकी सहायता करने की कोशिश की है, हर प्रकार से योग के अंदर त्रुटियां ना हो मैंने इसके ऊपर फोकस, मैंने सभी लोगों को जोड़ा है मैंने इसमें, ये जो महोत्सव है मैंने सभी लोगों को जोड़ा, प्लीज एवरीवन, ठीक है, लड़कों से लेके महिलाओं से लेके सभी लड़कियों के सभी को, ठीक है, योग के अंदर हमें त्रुटि नहीं करना, ठीक है, तो पादहस्तासन में आप सभी लोग कर सकते हैं जिसका मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक, आपसे जितना झुक कर सके आप उतना, मेन उद्देश्य यह है पादहस्तासन मतलब पैरों का स्पर्श, आप ऐसा रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, जिनके माथा पैरों को लग जाए बहुत बढ़िया, क्योंकि स्ट्रेचिंग लेवल बहुत बढ़िया है, ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास हमें बढ़ाना है, ठीक, समझ में आया, सुखासन के अंदर एक चीज मैंने बोलना भूल गया है, एक तो सुखासन में क्या होता है कि जिनके घुटने नहीं मुड़ते, जिनके घुटने वाकई नहीं मुड़ते, बहुत दर्द होता है उनको, क्या करें सर, कैसे करें, ये हो सकता है कि नीचे इस तरह से एक सपोर्ट लगा लें, अगर उनको सुखासन में बैठना है, ठीक है, ऐसे करके बैठ सकते हैं, इस तरह से बैठ सकते हैं, ठीक है, और दंडासन में बैठ सकते हैं, मैंने सुखासन इसलिए बोला है क्योंकि आगे रीढ़ की हड्डी इससे मजबूत होती है, आपका स्पाइन मजबूत, आपका स्पाइन स्ट्रेट है, आप इसमें बैठ के खाना खाएं, आपका डाइजेशन बहुत एक्टिवली डाइजेस्ट, ठीक है, झुक के खाएंगे तो इनएक्टिव हो, पैर पीछे करके भी खाना खा सकते हैं, फिर से बोलिए क्या प्रश्न है, दोनों पैर पीछे करके ऐसे बैठ के कर सकते हैं, ये वज्रासन में, वज्रासन में इसको तुम एक काम कर सकते हो, आप है ना खाना खाने के बाद करो, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप है ना सुखासन में बैठ जाए, ये पद्मासन में बैठ जाए, ठीक है, सिद्धासन में बैठ जाए, सिद्धासन भगवान बुद्ध ने जय किया था, जो अपनी ज्ञान जो एनलाइटमेंट है वो है सिद्धासन, भगवान बुद्ध ने इस तरह से अपने आप को जय, अपने आप को जीता सिद्धासन, और इस तरह जो क्रॉस लेग करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, वज्रासन का सबसे अच्छा है कि आप खाना खाने के बाद ऐसा बैठे, सबसे अच्छा, क्यों अच्छा, वज्रासन में बैठे क्या फर्क पड़ता है, क्यों खाना खाने के बाद हम वज्रासन में बैठे, इसलिए बैठे हैं, क्यों बोलते हैं कि डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है खाना खाने के बाद, डाइजेशन अच्छा मीन्स वो पच जाता है, जो आपने खाया है वो पच जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों ने खाना खाया वो पचा नहीं और फ्लश आउट हो जाता है, जो खाया आपने फ्लश आउट तय खाने से तो आप वज्रासन करेंगे ना आपको पचेगा, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि जैसे ही आपने खाने के बाद फिर क्या होता है, ये पैरों को हमने मोड़ लिया, घुटनों से मोड़ लिया, अब ब्लड सर्कुलेशन का चलना टोटली बंद, ठीक है, ये यहाँ से टोटली बंद कर, अब क्या हुआ, पूरे ब्लड ने कहाँ काम किया, आपके पेट की तरफ काम, और हार्ट आपको पंप कर रहा है, जो ब्लड है आपका ब्लड है वो क्या कर रहा है, पेट और जितने भी ऑर्गन्स हैं ये पूरा खाना पचाने के, इसीलिए
इसका इतना महत्व है। आप 3 मिनट इसमें बैठे, 2 से 3 मिनट बैठे, आपका काम हो जाए। जैसे ही आप इस तरह से बैठते हैं तो सारा ब्लड सर्कुलेशन जो पैर की तरफ नीचे टो की तरफ जाता है टोटली आपके पेट में कलेक्ट है, और जितने भी ब्लड है ये पूरा काम करेंगे खाना पचाने। इसलिए कहा गया है वज्रासन में आप बैठे, और जब भी आप वज्रासन में बैठे हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बैठे तो ऐसा ना बैठे, ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, गड़बड़ हो जाता है। आप हमेशा बॉडी को इरेक्ट और इस तरह से बैठे, ये होता है खाना खाने के बाद पोज, ये वाला, ठीक है, ये देखिए ये वाला, ये ऐसा नहीं बैठना, ठीक है, गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं बैठना, ठीक है, ऐसा बैठ सकते हैं, ये दोनों को क्रॉस कर ले, ऐसा बैठना, ठीक है। और एक बहुत अच्छा ध्यान आया मुझे, अच्छा नहीं तो मैं क्या हर चीज लिख के नहीं रखता हूँ, मेमोरी में आता है तो मैं बोलते रहता हूँ। बहुत अच्छा याद आया, जब हम लोगों ने पश्चिम उत्तासना किया था, जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, हर चीज का एक बैलेंस होता है। जैसे ये नेचर है, ये प्रकृति है, हमारे बैलेंस, वैसे ही हमारी बॉडी हमें बैलेंस करने सिखा, कैसे बैलेंस करें, तो इसीलिए पतंजलि के योग सूत्र में बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि एवरी आसन हैज ए कॉम्प्लीमेंट्री पोज, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उसका अपोजिट, समझ में आ रहा है। तो आप हमेशा जब भी कोई आसन लगाएं, हमेशा ध्यान रखें प्लीज, जब भी आसन आप बहुत लगा रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोज जरूर लगाएं, तब जाके आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, ठीक है। आप ऐसा ना करते गए करते गए प्रैक्टिस करते गए, योगा वाले सर ने कहा था प्रैक्टिस करना है बस ठीक है चले गए, ऐसा नहीं। जो हाई प्रैक्टिशनर भी होते हैं वो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोज, ठीक है। तो पश्चिमोत्तासन का कॉम्प्लीमेंट्री पोज क्या हुआ, उष्ट्रासन, ऊंट वाला, जो हमारे योगा प्रोटोकॉल्स के अंदर है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये देखो, ये दोनों के पैरों के बीच में फासला हो, ठीक है, उष्ट्रासन के लिए, ठीक है, ये देखो, ये ठीक, ऐसे खड़े हो गए, और फिर सांस भरते हुए आपको आपके पैरों के तलवे पकड़ना है, ये सांस छोड़ते हुए फिर आप वापस, और जब ये जो फाइनल पोजीशन है, आप हमेशा ध्यान रखें सांसों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सांस भरा मैंने, हाथ पीछे लिया, ये पीछे लिया, ठीक है। अब आपको नॉर्मल ब्रीथ लेना, नॉर्मल ब्रीथिंग कर, ऐसा नहीं आपने होल्ड करके रखा कुंभक लगा, नहीं गड़बड़ हो जाए, ठीक है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको वापस, ये किसका हुआ, पश्चिमोत्तानासन का कॉम्प्लीमेंट्री पोज, ठीक है। अब मैं आपको पादहस्तासन का कॉम्प्लीमेंट्री पोज दिखाता हूँ। पादहस्तासन में क्या होता है, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पोज क्या हुआ, सांस भरा, यहाँ पे मुझे कुंभक नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पे होल्ड नहीं करना, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगा, ठीक। इसके बाद वापस आ गए, सांस छोड़, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पोज हुआ, अर्ध चक्रासन, ठीक। मैंने आप सभी को सब कुछ बताया, मजा आया ठीक है। अच्छा, जिन्हें पादहस्तासन करने में दिक्कत है, क्या करें, कैसे करें, जैसे ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को ले लेते हैं, इसको लियो, ले लिया, ठीक है, ऐसा करके आप अब चेष्टा करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। इसके बाद ये क्या हमारा आधे घंटे का सेशन है, जब मैं फिर क्लास में आपसे ज्वाइन करूंगा तो खुल के बात करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ज्वाइन, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर द बेस्ट सेशन, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।